शिक्षित एवं बेरोजगार ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था सोलन में आयोजित कटिंग, टेलरिंग और ब्यूटिशियन पर आधारित एक वर्ष का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। कौशल विकास भत्ता योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर में अनुभवी अध्यापिका अंबिका द्वारा प्रशिक्षुओं को बच्चों के परिधान बेबी फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, महिलाओं के परिधान सूट्स, फैंसी गाउन व नाइटी इत्यादि और ब्यूटिशियन में अध्यापिका कंचन द्वारा थ्रेडिंग, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी मसाज, मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग सिखाई गई। सोलन में एक वर्ष तक चले इस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में AC2DC शिल्पी बागटा बतौर मुख्य अतिथि व जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान और जिला रोजगार अधिकारी निर्मल शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। संस्था की प्रधान शांति जसवाल ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत प्रतिभागियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनका उपस्थित जनसमूह ने खूब लुत्फ उठाया। मुख्य अतिथि शिल्पी बागटा ने महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाए गए उत्पादों को भी देखा। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर कार्य कर रही है ताकि ये प्रशिक्षु अपना व्यवसाय शुरू कर सके। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही इस कौशल विकास भत्ता योजना का मुख्य लक्ष्य है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वर्क है जसवाल मैडम की द्वारा जो ये कार्यान्वित किया जा रहा है, यहाँ बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की है, लगन के साथ कार्य किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कौशल विकास के प्रति जो सरकार की कार्यबद्धता है उसमें इनका सहभागिता बहुत अच्छे से हो रही है और बच्चे इस तरह से हुनरवान बनते जा रहे हैं। आगे चल के ये आगे से आगे और बढ़ेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने आई युवती रेखा शर्मा ने बताया कि वह शिक्षा के साथ साथ उनकी रुचि कटिंग टेलरिंग में थी, इसीलिए उन्होंने ये प्रशिक्षण लिया ताकि भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। वहीं महिला खेमी ने बताया कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वह अपना स्वरोजगार उपस्थापित कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे ICSW से कौशल विकास भत्ते से कटिंग एंड टेलरिंग का कोर्स किया है, जिसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी है। आगे तो मैं यही करूँगी कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, अच्छे से अपना ब्यूटी खोलूँ और ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन का दोनों कोर्स साथ चलाऊँ। अन्य लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कुछ काम करे, अपना काम करे। इस प्रशिक्षण के बाद मैं ये चाहती हूँ कि मैं घर पे अपना काम कर सकूँ, अपने साथ दो चार लोगों को औरों को भी जोड़ूं ताकि औरों को भी रोजगार दे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।